हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं एना फॉर बीकॉम स्टूडेंट मैं आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ, जिसके अंदर हम करेंगे ब्रांड मैनेजमेंट यूनिट सेकंड। यूनिट फर्स्ट जो थी ब्रांड मैनेजमेंट की, वो मैं करवा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है मेरे पहले वाली, तो आप जाके देख सकते हैं। और अगर आपको और भी किसी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए जिनकी आपको बुक मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं होती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगी। क्योंकि जो ब्रांड मैनेजमेंट सब्जेक्ट है उसकी बुक अभी मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं होती है। ये ब्रांड मैनेजमेंट बीकॉम के अंदर फिफ्थ सेम के अंदर आता है, तो इसकी अभी ये न्यू सब्जेक्ट है, तो इसकी जो बुक है वो मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो आज हम शुरू करेंगे यूनिट सेकेंड। यूनिट सेकेंड के अंदर सबसे पहले है नेचर ऑफ ब्रांड डेवलपमेंट। ब्रांड डेवलपमेंट का कैसा नेचर होता है, सबसे पहले इसमें रखा है ब्रांड अवेयरनेस एंड एटीट्यूड, ब्रांड आइडेंटिटी एंड इमेज, ब्रांड लॉयल्टी, मीनिंग एंड इट्स मेजरमेंट, ब्रांड पर्सनैलिटी, एडवर्टाइजमेंट एंड ब्रांड डेवलपमेंट, डेवलप मार्केटिंग प्रोग्राम्स टू बिल्ड ब्रांड इक्विटी, को ब्रांडिंग लिसनिंग, सेलिब्रेट इंडोर्समेंट, स्पोर्टिंग कल्चर एंड अदर इवेंट्स। ये सारे टॉपिक हम धीरे धीरे अपनी वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। आज का हम टॉपिक शुरू करेंगे ब्रांड अवेयरनेस। ब्रांड अवेयरनेस क्या होता है, तो आज का हमारा टॉपिक है ब्रांड अवेयरनेस। ब्रांड अवेयरनेस क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है, इसके टाइप क्या होते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो ब्रांड अवेयरनेस क्या होता है, ब्रांड अवेयरनेस इज द प्रोबेबिलिटी दैट कंज्यूमर्स आर फेमिलियर अबाउट द लाइफ ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। इट इज द डिग्री टू विच कंज्यूमर परसाइल्स एसोसिएट विद द ब्रांड विद द स्पेसिफिक प्रोडक्ट। ब्रांड अवेयरनेस का मतलब क्या होता है, जो कंज्यूमर जो होते हैं वो अपने जो नया ब्रांड आ रहा है, नया ब्रांड लॉन्च हो रहा है, उससे फेमिलियर का मतलब होता है उसको, मतलब उससे जानते हों उस प्रोडक्ट के बारे में, वो उस प्रोडक्ट के बारे में उन्हें पता हो, उस प्रोडक्ट के बारे में मतलब ये पता हो कि भाई मान ले कोई कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च करी है, तो उसको यकीनन उस बारे में पता हो कि ये ब्रांड, ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है या ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट मार्केट के अंदर अवेलेबल है, वो उसके बारे में हर एक चीज़ के बारे में फेमिलियर हो, ब्रांड के बारे में अवेयर हों। अवेयरनेस का मतलब हम समझ सकते हैं कि अवेयरनेस कि आप कितना अवेयर रहते हैं मार्केट के अंदर, कितने आपको ब्रांड्स के बारे में नॉलेज है, कौन सा ब्रांड ट्रेंडिंग बोलते हैं ना, कौन सा ब्रांड ट्रेंडिंग पे चल रहा है, कौन सा ब्रांड नहीं चल रहा है, तो आपको किन कितने ब्रांड्स के बारे में कितनी नॉलेज है उसके बारे में, वो बोलते हैं ब्रांड अवेयरनेस। आप कितना ब्रांड्स के बारे में अवेयर रह पाते हो, कितना आप उनसे फेमिलियर हो, कितना आप उनके बारे में जानते हो। इसके अंदर देर आर द टू टाइप्स ऑफ ब्रांड अवेयरनेस। ब्रांड अवेयरनेस के दो टाइप दे रखे हैं। सबसे पहला टाइप है एडिड अवेयरनेस। एडिड अवेयरनेस का मतलब क्या होगा, दिस मीन्स दैट वन मेंटेन द प्रोडक्ट कैटेगरी। इसका मतलब क्या होता है कि एक जो बंदा है ऑन मेंटेनिंग द प्रोडक्ट कैटेगरी, जो प्रोडक्ट की कैटेगरी वो मेंटेन कर रहा है। द कंज्यूमर्स रिकॉग्नाइज योर ब्रांड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ब्रांड शोन। मतलब जो प्रोडक्ट ब्रांड की जो कैटेगरी है उनको मेंटेन करेगा और उस जो लिस्ट दे रखी है उसके अंदर से जो कंज्यूमर है वो अपने ब्रांड को रिकॉग्नाइज करेगा, अपने ब्रांड को पता लगाएगा कि मेरे ब्रांड के अंदर ये क्वालिटी होती है, तो ये मेरा ब्रांड है, ये किसी और का ब्रांड है, तो उसको रिकॉग्नाइज करने में। इसके बाद सेकंड पॉइंट है टॉप ऑफ माइंड अवेयरनेस इमीडिएट ब्रांड रिकॉल। मतलब आप कैसे इमीडिएटली अपने ब्रांड के बारे में रिकॉल कर लेते हैं। दिस मीन्स दैट ऑन मेंटेनिंग प्रोडक्ट कैटेगरी द फर्स्ट ब्रांड दैट कंज्यूमर रिकॉल फ्रॉम द माइंड इन योर ब्रांड। मतलब आप अपने ब्रांड की एक ऐसी छवि बना लेते हो, ऐसी मतलब आपकी आपको ये पता चल जाता है कि ये मेरा ही ब्रांड है। मतलब उसके लोगों से, उसके मतलब वो जो उसकी क्वालिटी है उससे, कि आपको पता चल जाता है कि मैं जो ब्रांड यूज़ करता हूँ वो यही है। जैसे ये नहीं होता कि हम कपड़े को टच करते बता देते कि किस ब्रांड का कपड़ा है या किस टाइप का कपड़ा है, कौन सी क्वालिटी है इस कपड़े की, तो वही चीज़ है। आप एकदम कंज्यूमर को रिकॉल हो जाएगी कि ये तो मेरा ब्रांड है, या मतलब इस टाइप का ब्रांड, इस टाइप से आप बंदों को ब्रांड अवेयर करवाते हो। इसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस दे रखी है, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रांड अवेयरनेस। ब्रांड अवेयरनेस की क्या इंपॉर्टेंस है, ब्रांड अवेयरनेस इज रिलेटेड टू द फंक्शंस ऑफ ब्रांड आइडेंटिटी इन कंज्यूमर्स मेमोरी इन एंड कैन बी मेजर्ड बाय हाउ विल द कंज्यूमर कैन आइडेंटिफाई। मतलब ब्रांड अवेयरनेस एक काम करता है, वो आइडेंटिफाई करता है कि आपका ब्रांड कौन सा है, आप कितने उसके बारे में अवेयर हैं, और आप मतलब कंज्यूमर के माइंड के अंदर एक मेमोरी फिट कर देता है कि ये आपका ब्रांड है, इस ब्रांड को आपको इस टाइप से आइडेंटिफाई करना है। ये नहीं बोलते हैं कि जैसे अब ब्रांड, तो जो ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं वो अलग ही होते हैं, बट उनकी कॉपी बना देते हैं,
ये बोलते हैं कि इसकी फर्स्ट कॉपी है, इसकी थर्ड कॉपी है, तो उसके मतलब आपको पता चल जाता है कि ये आपका ब्रांड है, तो ये इसकी फर्स्ट मतलब ये यही ब्रांड है जो आपके ब्रांड के बारे में आपको हर एक बात उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हाँ ये ही मेरा ब्रांड है, दूसरा नहीं है, तो उसको आइडेंटिफाई करना। इसके बाद सेकेंड पॉइंट है द ब्रांड अंडर वेरियस कंडीशन, मतलब बहुत सी कंडीशंस के अंदर। इसके बाद द ब्रांड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द कंज्यूमर परचेजिंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ब्रांड जो होता है, ब्रांड अवेयरनेस जो होती है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंज्यूमर के परचेजिंग प्रोसेस के अंदर, क्योंकि कंज्यूमर तभी परचेज करेगा तब वो ब्रांड्स के बारे में अवेयर होगा। उसको अगर नए नए ब्रांड्स के बारे में पता है, वो आपके ब्रांड के बारे में अवेयर है, तो ही वो मतलब इफेक्ट डालती है वो चीज़ कि आपकी वो प्रोडक्ट को परचेज करेगा या नहीं करेगा। उसके बाद है कंटिन्यूसली ब्रांड फोकस ऑन इम्प्रूवमेंट कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड इन्वेस्ट इन एडवर्टाइजमेंट टू इंक्रीज कंज्यूमर ब्रांड अवेयरनेस। इसने बोला है कि ब्रांड मतलब हमें इस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए कि कंज्यूमर कैसे सेटिस्फाई हो, कंज्यूमर को हम कैसे सेटिस्फेक्शन दें, कंज्यूमर की क्वाल मतलब कंज्यूमर को हम किस टाइप का प्रोडक्ट दें कि कंज्यूमर बिल्कुल सेटिस्फाई हो हमसे। तो एक और चीज़ हमें इन्वेस्ट करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, कि जब हम ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करेंगे किसी भी चीज़ का, तो लोग उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर होंगे। अब एडवर्टाइजमेंट क्यों की जाती है? ब्रांड्स के बारे में अवेयर होने के लिए कि भाई ये ब्रांड नया लॉन्च हो रहा है, तो उसकी एडवर्टाइजमेंट आएगी, टीवी के अंदर एड्स आएंगी, और भी मतलब अब तो मोबाइल्स के अंदर हर एक चीज़ के ऊपर एड्स आती हैं, तो उसके बारे में ब्रांड के बारे में अवेयर होता है बंदा। तो जब हम ब्रांड्स के बारे में लोगों को अवेयर करवाएंगे, तभी तो हमारे ब्रांड को परचेज किया जाएगा। इसके बाद है इंक्रीज सेल। वी हैव ऑलरेडी मेंटेन दैट पीपल प्रेफर टू बाय फ्रॉम ब्रांड्स दे नो अवर रिकॉग्नाइज द कंज्यूमर, द मोर कस्टमर्स आर अवेयर ऑफ अ ब्रांड द बिगर मार्केट शेयर दिस ब्रांड विंस। इंक्रीज सेल का मतलब क्या होगा कि हमें पता है कि जो आजकल के जो कंज्यूमर्स हैं वो ज़्यादातर ब्रांड लेना ही पसंद करते हैं। द मोर कस्टमर्स आर अवेयर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स अवेयर होते हैं ब्रांड के बारे में, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पता होता है। द बिगर मार्केट शेयर द ब्रांड विंस, जब हमारा बिगर मार्केट दे विंस द मतलब जो कस्टमर हैं वो कंज्यूमर अवेयर करते हैं, और उसको जो हमारी मार्केट शेयर है उनको विन करते हैं, वो अपने शेयर्स इंक्रीज करते हैं, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि ब्रांड को दे रिकॉग्नाइज द ब्रांड, वो बाय करने के लिए वो अपने ब्रांड को रिकॉग्नाइज करवाते हैं, उनको पता चल जाता है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू और चीज़ों के थ्रू। इसके बाद इमोशनल कनेक्शन बिल्डिंग। इमोशनल कनेक्शन बिल्डिंग का मतलब क्या होगा कि जैसे कि अब कई लोग जैसे अलग अलग एक्टर्स के फैन हैं, कोई किसी का फैन है, कोई किसी का फैन है, तो क्या होता है कि जब अब कोई बंदा किसी एक्टर का फैन है, तो अगर उस वो एक्टर किसी प्रोडक्ट की एड कर रहा है, तो वो उससे इमोशनली अटैच है, तो वो प्रोडक्ट जरूर लेके आएगा, वो उस ब्रांड के प्रोडक्ट जरूर लेके आएगा। तो उसी टाइप से है इमोशनल कनेक्शन बिल्डिंग का मतलब क्या होगा, ब्रांड अवेयरनेस प्ले बिग रोल इन रिटेन कस्टमर एंड मेकिंग द परचेज फ्रॉम योर रैपिडली। अ फेमिलियर ब्रांड क्रिएट्स अ सेंस ऑफ ट्रस्ट एंड ऑप्टिमस आशावाद। ऑप्टिमाइज का मतलब, ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है आशावाद। मतलब कई बार क्या होता है, जैसे मैंने इसका मीनिंग इसलिए यहाँ लिख रखा है क्योंकि बच्चों को पता नहीं चलता है कि इसका मीनिंग क्या था, और मीनिंग ना पता होने की वजह मतलब उनको दिक्कत होती है, तो इसलिए मैंने इसके साथ ही मीनिंग लिख दिया कि ऑप्टिमाइज्म का मतलब होता है आशावाद। इमोशनल कनेक्शन बिल्डिंग का मतलब क्या होता है कि जब हमें ब्रांड से फेमिलियर है, हमें ब्रांड के बारे में हर एक बात की नॉलेज है, उसकी क्वालिटी के बारे में पता है, तो हम उसके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे, ज़्यादा आशावाद रहेंगे, ज़्यादा मतलब हमें ये रहेगा कि ये ब्रांड जो है वो उस बिल्कुल सही है, ये ब्रांड हाँ उसकी ब्रांड की क्वालिटी भी बिल्कुल बढ़िया होगी, हमें पता है। इसके बाद है कस्टमर लॉयल्टी ग्रोथ। स्ट्रोंग ब्रांड्स कैन नॉट ओनली बिल्ड मोर रोबिस्ट एड्स इन द मार्केट, हायर रेवेन्यू एंड क्रिएट इमोशनल कनेक्शन विद कस्टमर्स दे गेट अनदर प्रिविलेज मेकिंग ओकेजनल मिस्टेक्स। इसके अंदर क्या होगा कि जो कस्टमर लॉयल्टी ग्रोथ का मतलब क्या होगा, कस्टमर्स की लॉयल्टी ग्रोथ बढ़ रही है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स
जब हमारा ब्रांड स्ट्रोंग है, हमारे ब्रांड की ब्रांड नेम स्ट्रोंग है, हमारी ब्रांड की गुडविल, हमारी जो कंपनी है उसकी गुडविल अच्छी चल रही है, तो उनके बारे में वो इमोशनली अटैच होंगे. अब जो जो कस्टमर्स हैं उनकी रॉयल्टी बढ़ेगी, हमारे रेवेन्यू को इंक्रीज़ करेंगे वो, हमारी सेल्स को इंक्रीज़ करेंगे वो चीज़ें. इसके बाद है सोशल लिसनिंग. सोशल लिसनिंग का मतलब क्या होगा? दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू मेजर ब्रांड अवेयरनेस. सोशल लिसनिंग का मतलब क्या होगा कि सोशल तरीके से हम सोशल वेबसाइट के थ्रू हमें पता चले कि हमारा ब्रांड कितना अवेयर है, कितना मतलब कितना हमारे ब्रांड का नेम है, उसके बारे में हमें पता चल जाता है सोशल वेबसाइट के थ्रू. जैसे कि अब कोई ये नहीं कहते ये ब्रांड चल रहा है, तो वो ब्रांड कब चढ़ता है तब, मतलब वो सोशल वे में हमें सोशल मीडिया के थ्रू हमें पता चल जाता है कि भाई ये नहीं कहते कि इस पिक्चर ने इतने पैसे कमा लिए, तो वो पता चल जाता है सोशल मीडिया के थ्रू भाई इस पिक्चर ने इतने पैसे कमाए हैं, वो पिक्चर चढ़ रही है. विद स्पेशल टूल्स सच एज एग्रो प्लस और मेंटेनेंस, यू कैन ट्रैक एवरी कन्वर्सेशन अबाउट योर ब्रांड एंड सोशल मीडिया. एग्रो प्लस एक ऐप होता है, उससे हमें पता चल जाता है कि आपका ब्रांड सोशल मीडिया के ऊपर कितना चल रहा है, या कितना आपका ब्रांड की कन्वर्सेशन हो रही है आपके ब्रांड के बारे में, कि आपका ब्रांड कितना, मतलब कितना ब्रांड आपका पॉपुलर है, उसके बारे में हमें एग्रो प्लस जो ऐप है उससे पता चल जाता है. तो उससे हमें पता चल जाता है कि लोग हमारे ब्रांड के बारे में कितने अवेयर हैं, लोग हमारे ब्रांड को कितना चाहते हैं. इसके बाद एट लास्ट पॉइंट है गूगल सर्विस. गूगल सर्विस का मतलब क्या होगा? सम गूगल सर्विस विल कम इन हैंडी टू मेजर योर ब्रांड अवेयरनेस. स्टार्ट विद गूगल एडवर्ड्स और कीवर्ड्स प्लानर टू गेट एन आइडिया अबाउट द वॉल्यूम ऑफ सर्च फॉर योर ब्रांड नेम. मतलब हमें ये पता चल जाता है गूगल सर्विस से कि आपका ब्रांड का नेम कितनी बार सर्च किया गया है गूगल पे. ये नहीं बोलते कि ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करने वाली चीज़ गूगल पे, क्या ज़्यादा से ज़्यादा सर्च किया जा रहा है. तो वही चीज़ है, आपका अगर ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड नेम सर्च किया जा रहा है तो मतलब आपका ब्रांड बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, आपका ब्रांड बहुत ज़्यादा रनिंग कंडीशन में, आपका ब्रांड ट्रेंडिंग पे आ रहा है. ट्रेंडिंग जो बोलते हैं ना आजकल, बोलते हैं कि वीडियोज ट्रेंडिंग पे जा रही हैं, तो जो आपका ब्रांड है वो भी ट्रेंडिंग पे जा रहा है. वही सब चीज़ें हैं. आज की वीडियो बस इतनी ही. अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं. मैंने आज की वीडियो में आपको करवाया है ब्रांड अवेयरनेस क्या होती है, ब्रांड अवेयरनेस के टाइप क्या होते हैं, और ब्रांड अवेयरनेस की इंपॉर्टेंस क्या होती है. अगली वीडियो में हम अगला टॉपिक कवर करेंगे, ब्रांड आइडेंटिटी एंड इमेज. अगर आपको और भी किसी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए हैं तो मेरे चैनल पे आप कमेंट्स करके बता सकते हैं मुझे. और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में डाउट हो कॉमर्स से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.